Kothari, in this video I'm going to share about the secrets of rankers. Now this is very important to know ki rankers ki life kaisi hoti hai, rankers ka mindset kaisa hota hai, unke tayari karne matlab preparation karne ka exam ke liye tarika kya hota hai. Kyunki bahut baar aisa hota hai hum average students hain, hamare kabhi utne marks aaye nahi hain, aur matlab jitni mehnat hum karte hain na, उस मेहनत के बाद में जो हमको मार्क्स मिलते हैं ना रद्दी भर के, उसको देखने के बाद मतलब एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये पढ़ता क्या है. मतलब मैंने इतना सारा कर लिया सुबह शाम एक करके, मेरे को भी उतना टाइम, उसको भी उतना टाइम, फिर भाई ने किया क्या, अपने इस भाई ने किया क्या कि उसको रैंक आ गया, ये सोचते हैं बहुत बार. क्लास में बैठा हुआ बंदा, जब हम फेस टू फेस क्लास लगाते हैं तो एक बंदा दो महीने की क्लास में जितने सारे डाउट्स पूछता है, क्लास खत्म खत्म होते होते हमको अंदाजा लग जाता है कि साला ये रैंकर जरूर आएगा. मतलब ये रैंक जरूर आएगा, इसका रैंकर जरूर बनेगा. ये ऑलमोस्ट होता वही है, रैंकर बना या नहीं टॉपर वही होता है. तो क्या तरीका क्या होता है, व्हाट इज द डेली रूटीन, एक चीज माइंडसेट कैसा होता है, प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होता है. आई विल टेल यू सम सीक्रेट्स ऑफ दीज रैंकर्स. व्हाई, बेसिकली व्हाई दे आर डूइंग दिस कोर्स. देयर इज अ डिफरेंस, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैंकर एंड एन एवरेज स्टूडेंट. हम एवरेज स्टूडेंट वाली कैटेगरी में और एक इधर रैंकर वाली कैटेगरी है. दोनों हैं इंसान ही, दोनों सेम बैकग्राउंड से आए हुए हैं, बट अल्टीमेटली इसका रिजल्ट एक हाई लेवल तक जाता है, मेरा रिजल्ट एक लो लेवल तक जाता है, और उसके रीजंस क्या है. इफ यू सीरियसली वांट कि आपके मार्क्स अच्छे आए या आप को वो चीज मिले, इफ यू हैव अ ड्रीम, पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग नाउ एंड मेक श्योर दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज थिंग्स. 10 चीजें बता रहा हूं, अगर आपने 8 भी इम्प्लीमेंट की, वेल एंड गुड. ठीक है, पहली चीज देखो, पहली चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन द एंटायर वीडियो इज नीड. देयर आर टू थिंग्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पे बनना चाहता है, एक स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पे बनना चाहता है. दिस इज रैंकर वाली कैटेगरी, दिस इज एवरेज स्टूडेंट वाली कैटेगरी. द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम आर डूइंग सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी. दोनों बनना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना वांट है, ही वांट्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नीड है ना. व्हाट इज द डिफरेंस सर, वांट और नीड में मेरे को समझ में नहीं आया सर. चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही बनेंगे ना, इसकी जरूरत है वो चीज. जरूरत है इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सीए नहीं बन पाया टाइम पे, तो इस पे बहुत इसकी ये एक्चुअली दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स. व्हाट कैन बी दोस प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, गरीबी. अगर कोई अपने पापा को ऑटो चलाते हुए देखता है दिन भर में जो मेहनत करते हैं, और फिर जाके वो जो पूरी महीने भर की कमाई हमको लाके देते हैं क्लासेस लगाने के लिए, वो हमको दिखता है, वहां हमको पता चलता है कि कितना खून पसीना एक किया जा रहा है सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए. वहां रोज ये चीजें देख के मेरे मन में सिर्फ एक चीज आती है, कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, और सबसे पहली चीज जो मैं लाइफ में करूंगा वो है कि मैं अपने पापा को ऑटो चलाने से रोक दूंगा. जरूरत नहीं पड़ेगी ऑटो चलाने की, उनको ऑटो चलाने की बोलो, रिक्शा चलाने की बोलो, लेबर का काम करते हैं बहुत सारे लोग, ईंटें ले जाना एक जगह से दूसरी जगह पे, किसी के घर में जाके बर्तन धोना. कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को इस तरह की मेहनत करते हुए नहीं देख सकता जब वो पढ़ लिख रहा हो, क्योंकि इसको पढ़ाई के बारे में ज्यादा नॉलेज है. अब एट दिस लेवल व्हेन यू आर इन सीए इंटर और सीए फाइनल, आपके माँ बाप उतने नहीं पढ़े हुए थे, आप उस लेवल पे हो, इसलिए आप ऐसा सोचते हो कि यार
ये सब देखा नहीं जाता। बच्चे थे तब तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, चल रहा है ठीक है, खेलने कूदने में लगे रहते थे, लेकिन अब समझदारी वाली बात आई है। तो मेरे लिए वक्त पे सीए बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं 6 महीने से मेरा सीए बनना डिले हुआ, तो 6 महीने मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ाई करनी सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, फेल होने का नतीजा सिर्फ आपको तकलीफ उठाना, पढ़ाई करना वापस वही बुक्स का नहीं है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन उस 6 महीने आपके घर में आपके मम्मी को फिर से उतनी ही मेहनत करनी है, आपके पापा को फिर से ही ऑटो या रिक्शा चलाना है, या फिर कहीं काम कर रहे तो वहीं जाना है, उतनी मेहनत करनी है। ये एक नीड है, दैट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सेकंड, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। बहुत बार ऐसा होता है, रिलेशनशिप में आ गए, सीए बन ही नहीं रहा है, सीए बन ही नहीं रही है, फाइनली जाके जब लाइफ आगे नहीं दिखती, कोई ना कोई एक निकल पड़ता है रास्ते में, जो दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाता है, तब आता है अंदर से गुस्सा या कुछ कर दिखाने की ये जिद, उस बहाने से आप कुछ कर बैठते हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया एंड ऑल दैट, फिर आपको यूट्यूब पे देखना, आपको वीडियोस देखने मिलेंगे कि पहले ऐसा था, उसने छोड़ के गई, फिर वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, फिर उसी का पति उसके यहाँ पे काम करता है एंड ऑल दैट थिंग। वो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक चीज ये होती है, नॉट ओनली फॉर द बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड थिंग, घर पे रिलेटिव्स आपको बोलते हैं, रिलेटिव्स आपके माँ बाप को सजेस्ट करते हैं, ये तो सीए बन ही नहीं सकता, इसको छोड़ दो, इसको दुकान पे बैठा दो, उसको वहां नौकरी लगा दो, बीकॉम करवा लो, बीबीए करवा लो, कहीं कॉलेज में भर्ती करवा दो, कुछ तो करेगा जीवन में। मैं बोल रहा हूं वो उन लोगों की छोटी सोच है जो आपको रोक रहे हैं, बस आप वहीं तक रह जाओगे। अगर आप चाहते हो करना, टेक अ डिसीजन नाउ और थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करो। ऐसे टाइम पे इन लोगों की नीड बन जाती है सीए करना, क्योंकि उनको करके दिखाना होता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन उन सबको जो आपके माँ बाप को आके रोज रोज ये ताना सुनाते हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। इन लोगों के ड्रीम्स होते हैं, इन लोगों की जरूरत होती है, ऑटोमेटिकली अंदर से इतने सारे एफर्ट्स आते हैं कि इनको कुछ और दिखता ही नहीं है इनको। अब मेरे को बताओ, जब माँ बाप की ऐसी हालत है, तो क्या मेरे को दिखेगा कि इन 3 महीनों के अंदर में या 4-6 महीनों के अंदर में जो मेरे को प्रिपरेशन का टाइम मिला है, मैं सीसीडी जाऊं, मैं दोस्तों के साथ खेलूं, मैं मूवी जाऊं, मैं उसके शादी में जाऊं, एक दिन की भी क्यों नहीं हो, सब छोटी चीजें हैं मेरी माँ बाप की खुशी के लिए। जब मेरे पास में एक बहुत बड़ा गोल होता है, तब ये सारी चीजें व्यर्थ बन जाती है और कुछ काम नहीं आती। नहीं तो आपको बहुत सारे लोग ये भी मिलेंगे, सोशल होना चाहिए लाइफ में, ये भी पढ़ो पढ़ो, सीए भी पढ़ो, खेलना कूदना भी जारी रखो, ऐसे एकदम से घर बैठ के रट्टेबाजी करने से कुछ नहीं होता। आई एम नॉट आस्किंग यू बुकिश बन जाओ, यू हैव टू बी अ स्मार्ट पर्सन, टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, दुनियादारी का, बट यू हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ, जब जो टाइम है पूरा टाइम उसको देने का। जब आपके लिए ये सारी चीजें छोटी बन जाएगी, तब आप एक बहुत बड़े गोल पे फोकस करोगे और आपकी नीड बनती है, तब आप उतने एफर्ट्स डालते हो, तब 12 घंटे प्रिपेयर करना दिन भर के इतना डिफिकल्ट नहीं होता। इन लोगों के एंगल से 12 घंटे पढ़ता है भाई, कैसे पढ़ लेता, 6 घंटे में यहाँ नींद आने लग जाती है। क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है कि ये इनकी नीड नहीं है। 10,000 रुपए की क्लास लगाते हैं और मर्सिडीज से क्लास जाते हैं, नीड कहाँ होगी? उससे ज्यादा खर्चा तो आने जाने पे लग जाता है। हमको ये घर में सब सुख सुविधाएं, घर के रूम में एसी लगा हुआ है भाई, कल जाके मैं सीए नहीं बना, कम से कम एसी में तो सोते रहूंगा, पप्पा ने कमा के रखा है, पप्पा का बिजनेस ही ज्वाइन करना है, मेरे को क्या जरूरत सीए बनने की? जितना हो रहा हो रहा, 4 किताबें आ रही, 4 किताबें ऊपर से देख रही और एग्जाम में पेपर लिखने जा रही, बना तो बना, नहीं बना तो जय राम जी की। नीड नहीं है, देख रहे हो, नीड नहीं है, नीड नहीं है। सो क्लासेस हो या कुछ भी हो, सीए बस एक स्टेटस है,
क्योंकि बाकी के लोग कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर लिया तो अच्छा हो जाएगा, मेरे बेटा सीए बन गया, एक अच्छी वेल रिच फैमिली। जब तक नींद नहीं आएगी तब तक आपके अंदर से एफर्ट्स नहीं आएंगे, जुनून नहीं जागेगा, डेडिकेशन नहीं आएगा, फोकस नहीं आएगा, कहाँ से किताबों में ध्यान लगेगा। यू हैव अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ, पार्टी है, क्लब है, सैटरडे संडे वीकेंड्स, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ। क्यों सिर्फ बुक्स में ध्यान देना, जरूरत है? सीए नहीं बना तो कुछ बिगड़ेगा? नहीं बने, नहीं बिगड़ेगा सर, बिजनेस खड़ा किया हुआ है। वैसे भी क्या करना है, सीए बन के शादी करनी है, बाद में किसी और के जाने जाना है। इंडिविजुअल बनो, बॉय और अ गर्ल, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स आई एम टेलिंग यू। कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ये चीज में, और गलती से भी ये डिसीजन तो नहीं लेना कि घर जाके किसी शादी करना है बाद में बन के, और भाई घर में ही रहना है मैंने तो। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इनफ। एक चीज, द ओनली डिफरेंस दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज द वॉन्ट एंड नीड, सॉरी वॉन्ट एंड नीड। नीड है तो आप करोगे, एफर्ट्स अपने आप आएंगे। वॉन्ट, if there is a want, why there is a need to become a chartered accountant? There is no need here. So what you need to become a chartered accountant is a need. If you just want to become a chartered accountant, there are very less chances that you will become a chartered accountant. If there is a need to become a chartered accountant, there are lots of chances that you will become a chartered accountant. So कहीं ना कहीं आपने अगर past trend देखा होगा तो जो top three rankers आते हैं वो इतने अमीर नहीं होते हैं। कोई ऑटो वाले का बेटा, ऑटो वाले का बेटा होता है, कोई रिक्शे वाले की बेटी होती है, एंड सो ऑन। वाई ये लोग क्यों? गरीबी वाले फर्स्ट रैंकर और हम इतने पैसे वाले भी नहीं लेके आते, क्यों? पैसों से सर डिग्री नहीं मिलती ना, डेडिकेशन और फोकस से मिलती है। एक पैशन होना जरूरी है लाइफ में, बता दिया एक चीज। तो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी तक देखो, मैंने जो सबसे बड़ा सीक्रेट बताया वो सीक्रेट ऐसा था कि आपको बुक्स या टीचर से इन सब की किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको रैंक लाना है तो द बेसिक थिंग इज पहले खुद बिना किसी किताब के, बिना किसी नॉलेज के पहले ये डिसाइड करो। यू हैव टू बी पैशनेट इनफ फॉर दैट, देयर शुड बी अ नीड। सेकेंड थिंग जो मिस्टेक्स रैंकर्स और इनमें डिफरेंस होता है, सेकेंड थिंग ये है क्लासेस, कोचिंग क्लासेस। व्हाट इज द डिफरेंस? सर मैंने भी क्लास लगाई थी उसी टीचर की, ये भाई साहब ने भी क्लास लगाई थी उसी टीचर की, इसको आ गए 87 और मैं लटका हूँ 26 पे। सेम टीचर की क्लास लगाई, सेम टीचर के क्लास नोट्स पढ़े, ये वो भी तो वही बुक से पढ़ रहा था, उसी से तो मैंने बुक्स रेफरेंस लेके बुक मंगाई थी, मैं भी वही पढ़ा, वो भी वही पढ़ा, साथ में पढ़ते थे सर, बहुत सारे क्वेश्चन का तो मैं जवाब देता था उसको। क्यों उसके मार्क्स आ गए, मेरे मार्क्स नहीं आए? क्यों? फर्क है अप्रोच का। जब आप क्लास लगा लेते हो, जब आप वीडियो लेक्चर्स ले लेते हो, फेस टू फेस लगा लेते हो, आपको लगता है कि टीचर करा के दे देगा, आप टीचर पे डिपेंडेंट बन जाते हो, यू डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका अप्रोच गलत है उस चीज को पढ़ने का। जबकि ये बंदा यहाँ पे टीचर के, वही टीचर की भली क्लास लगा रहा हो, कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहा हूं, बट ही डजंट बिलीव ऑन द टीचर। बिलीव ऑन द टीचर का मतलब ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टीचर। उसको पता है कि अगर इन भाई साहब ने कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया तो भी मेरे को ही करना है, अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल जाके कुछ हो भी गया ना तो भी ये बंदा पूरी तरह से खुद से होके पढ़ लेगा। टेक्स्ट बुक आती है, रेफरेंस बुक आती है, स्टडी मटेरियल होता है, ये बंदा घर जाके वो कॉन्सेप्ट पढ़ता है? आप सिर्फ टीचर को सुनते हो? ये बंदा क्वेश्चन खुद पहले सॉल्व करके देखता है, आप बस बोर्ड पे देखते हो कि हाँ क्वेश्चन सही करा रहे सर, सर सही करा रहे। अब ऑडिट करने थोड़ी बैठाया आपको यहाँ पे, खुद करो फिर टीचर को पूछो। दैट इज द डिफरेंस। सेम टीचर की क्लास, सेम क्लासेस, सेम नोट्स यूज करने से ऐसा नहीं होता कि आपके भी मार्क्स आ जाएंगे। बहुत बार आपने सुना है ना, जैसे मैंने किसी से सुना है, सर मेरे को फोन आया, मैंने बोला सर मैं आपके वीडियो लेक्चर्स ले रहा हूँ सर, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था कि मैंने तो इन्हीं सर की क्लास की थी और मेरे को 76 आ गए, मैंने तो इन्हीं सर की क्लास की थी, मेरे को तो 92 आ गए मार्क्स, तो मैंने भी सोचा सर मैं आपके क्लास नोट्स ले लेता हूँ, मैं आपके वीडियो लेक्चर्स ले लेता हूँ। क्या है भाई, क्या है, बांट रहा हूँ मैं मार्क्स, 92 मार्क्स बांट रहा हूँ? भाई वो बंदे की अप्रोच थी, वो बंदे की मेहनत थी, उसको 92 मार्क्स मिले, 80 मार्क्स मिले, 76 मार्क्स मिले, तूने भी ले लेने मेरे वीडियो लेक्चर, तूने अप्रोच गलत रखनी है, मार्क्स थोड़ी आएंगे। मैं नहीं हूं मार्क्स बांटने वाला, आईसीएआई पूजा करनी उधर जाओ, अप्रोच सही होना। कोई भी, मैं अब मेरा एग्जांपल जानबूझ के ले रहा हूं बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस,
कंसिडरिंग एनी अदर फैकल्टी, मेरे को एग्जाम्पल ले लो, मेरे को ही खड़ा कर लो यहाँ पे. सो वॉट ऑल आई मीन टू से इज द अप्रोच शुड बी डिफरेंट. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द टीचर जहाँ पे भी क्लासेस लगाते हो. व्हाई आई एम टेकिंग दिस कोचिंग क्लास वाला थिंग इज जस्ट बिकॉज 90% ऑफ द स्टूडेंट आर डिपेंडेंट ऑन द कोचिंग क्लासेस फॉर देयर प्रिपरेशन. सो इफ यू आर गोइंग टू द कोचिंग क्लास जस्ट गो. ओके ठीक है, एक चीज समझ में आती कि वो कॉन्सेप्ट शायद अच्छे से बता पाए, हम लोग इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए. ही विल हेल्प यू फॉर श्योर, ही इज अ गाइड फॉर यू. यूज इट दैट वे ओनली, डोंट बी डिपेंडेंट कि ये मेरे को नैया पार करा देगा. ना, इतना आसान नहीं है मुन्ना. पहली चीज नीड वॉन्ट, दूसरी चीज कोचिंग क्लासेस में आपका अप्रोच, तीसरी चीज ये जो रैंकर्स लोग होते हैं ना, इन लोगों की प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू हो जाती है. इन लोगों की लाइफ में बहुत कम चीजें होती है करने को, तो ये लोग ना फोकस्ड होते हैं. ठीक है, जैसे मैं अगर बताऊं जंगल, अगर मैं जंगल में, मेरे को छोड़ दो, मयंक कोठारी को जंगल में छोड़ दिया, मयंक कोठारी क्या करेगा? मयंक कोठारी सीसीडी नहीं जा सकता, मयंक कोठारी मूवी नहीं देख सकता, मयंक कोठारी कहीं दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकता. मैं जंगल में छोड़ दो ना भाई, क्या है, मैं क्या करूंगा वहां पे, क्या करूंगा मैं? कहीं तो पेड़ पौधों में कुछ तो छोटा मोटा बना लिया सोने के लिए, रहने के लिए, आराम करने के लिए. दिन भर जंगल में पैदल पैदल घुमा, शिकार किया, खाने को तो वही मिलेगा. अभी मेरे को थोड़ी पनीर की सब्जी लाके देगा वहां पे कोई? फिर मैं शिकार करूंगा, अपना डेली रूटीन ये रहेगा. आई एम फोकस्ड कि मेरे को क्या करना है यहाँ पे, बस इतनी सी चीजें करने को. बट जब मैं आपके लाइफ में और सारी चीजें इंक्लूड कर दूंगा ना, तो आपके पास में ऑप्शन हो जाएंगे. हाँ भाई, फेसबुक रोज का आधा घंटा फेसबुक पे देना जरूरी है, रोज का आधा घंटा इंस्टाग्राम पे देना जरूरी है, फिर रोज का आधा घंटा यूट्यूब पे हम मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, फिर हम बेकार के वीडियोस देखेंगे, फिर हम जीओटी भी देखेंगे. जीओटी तो मैं भी देखता हूँ, आई वोंट से एनीथिंग अबाउट द जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन साल में एक बार आता है, जीओटी हटा देना मेरी लिस्ट में से. ठीक है, फिर हम ये सीरीज देखेंगे, फिर हम हॉटस्टार देखेंगे, फिर हम मैच देखेंगे, उसके बाद में टाइम मिला तो हम दोस्तों के साथ शाम को घूमने जाएंगे, फिर शादी में भी जाना है, फिर लड्डू भी खाने हैं, फिर घर में भी साथ में बैठना है, फिर 10 मिनट बचे, आधा घंटा बचा, किताब खोल लो, एहसान कर देंगे किताब पे. दिस इज वॉट टाइम, 24 घंटे उसके पास में भी है, टाइम 24 घंटे आपके पास में भी है, बट आपको करने के लिए ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि है लाइफ में अवेलेबल आपके पास में ऑप्शन. ऑप्शन इसके पास में भी अवेलेबल है जो रैंकर होता है, लेकिन ये पहले डिसाइड ये करता है कि मैंने क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और फिर डिसाइड करता है कि किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए. आप ये सिर्फ ध्यान में रखते हो कि मेरे को एग्जाम कैसे प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड वॉट यू शुड नॉट डू या स्टे अवे फ्रॉम, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपका डिस्ट्रैक्शन बनेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे फॉर योर एग्जाम्स. डाउट सॉल्व करने के लिए यूज करो गुड, फाइल शेयर करने के लिए यूज करो गुड, टू सम सर्टन एक्सटेंट इफ यू आर यूजिंग इट पॉजिटिवली गुड, बट मैक्सिमम टाइम पे इफ आर डूइंग समथिंग एल्स नॉट गुड. Deciding what to do is as important as, sorry, deciding what not to do is as important as deciding what to do. So first decide कि किन किन को ना बोलना है. आपके दोस्त ने फोन किया, चल घूम रहा है, घूमने चल रहा है क्या, एक घंटे में वापस आएंगे भाई, एक घंटे में वापस आएंगे, प्लीज यार चल ले, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है यार, जाना तो बनता है, एक घंटे में वापस आ रहा हूँ मैं, अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा. हिम्मत नहीं है आप में ना बोलने की, फोकस रहने की. एक घंटे में आपने बहुत सारी मस्ती कर ली, घर पे आने के बाद में वही फोटोज देख रहे हो जो अपने एक घंटे में लिए, शेयर कर रहे हो, फिर उस पर कमेंट्स आ रहे हो, ओहो मेरे लाइक सबसे ज्यादा हो गए, ओहो इसने इसने कमेंट किया, अभी देख इसने कमेंट किया, देख कितना कमीना इंसान है ये, ऐसे तो बात नहीं करता, कमेंट किया है, चालू हो गया आपका. ये भाई साहब यहाँ पे सुबह से शाम सिर्फ एक ड्रीम लिए बैठे हैं यार, वो मेरे पापा को ऑटो चलाने से रोकने का. ऐसे तो रोक नहीं सकता, मैं खुद पढ़ूंगा, जॉब करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, पापा बोलूंगा पापा आप घर पे बैठो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप कुछ और करो, ये काम छोड़ दो, मैं लाता हूँ पैसे घर पे. ही इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आप बच्चे बन के रह जाते हो इतने बड़ी उम्र में भी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी. यू बिहेव लाइक एन इमैच्योर पर्सन. You don't take the responsibility. You don't have the goals in life. You don't want to become something big, someone big in life. They have the dreams. They have the dedication and passion they want to do. They have a purpose. You don't have anything. This is the next difference. Focused. Saying what not to.
डिसाइडिंग वॉट नॉट टू डू एज इज एज इम्पॉर्टेंट एज डिसाइडिंग वॉट टू डू. इसके बाद में पढ़ाई की बातें करते हैं, बुक्स पे आता हूँ. इंस्टीट्यूट का मटेरियल, एक सेकेंड होल्ड करना. इंस्टीट्यूट का मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है. इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों का. आप रैंकर्स के इंटरव्यूज पढ़ लो यार जाके. हर किसी ने ये बोला है कि इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस मैनुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करो. लेकिन हम सर क्लास के नोट्स बनने में तो इतना टाइम लग गया था, प्रैक्टिस मैनुअल कराया मैंने, हाथ लगाया तो दो चैप्टर किए थे, हो नहीं पाया सर, आधा ही हो पाया. पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट तो भगवान के नाम पे होता है आपके लिए. फिर अकल आती है, फिर आप करते हो. प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टे प्रिपेयर्ड. इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स आर इंपॉर्टेंट. गो थ्रू दीज, रैंकर्स विल गो थ्रू दैट, यू हैव टू. ठीक है, नेक्स्ट थिंग रिविजन. रैंकर्स लोगों का क्या होता है पता है ना, जो 3 महीने मिलते हैं ना वो लोग पढ़ाई के लिए नहीं रखते कि मैं ये सब्जेक्ट इस टाइम पे उठाऊंगा. ये 3 महीने में रिवीजन करते हैं मोस्टली, या एटलीस्ट आखिरी के 2.5 मंथ्स में ये लोग रिवीजन के लिए सेट करते हैं. उसके पहले का जो पीरियड होता है ना वो लोग प्लान करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग मेरे को कंप्लीट करनी. तो आप ही सोच लो कितने पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको. 1.5 साल 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है, तब जाके एग्जाम के पहले तक आके आपकी क्लासेस कंप्लीट होती है, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होती है. उसके बाद में आप 3 महीने में रिवाइज कर सकते हो. ये लोग 3-4-5 बार रिवाइज करते हैं, आपका तो एक बार ही खत्म नहीं होता भाई साहब. अबे तो 3 महीने में तो आप सब्जेक्ट उठाते हो पहली बार में, रिवीजन तो दूर की बात है. दिक्कत यह है प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू से. दीज गाइज हैव अ लॉन्ग टर्म विजन. हमारा विजन आने वाले फ्राइडे की मूवी पे अटका होता है, हमारा विजन सैटरडे नाइट को कहां जाना है यहां अटका होता है. It's good to have fun in life, but there has to be a long-term purpose. Every weekend is not good. Every Friday is not good to spend there. Kuch to sacrifice karo, bhai. Aari baat samajh mein? So, agar main jitne bhi aapko ye points bata raha hu, usme sacrifice in logo ka bahut zyada hota hai. Aap log to mazay kar rahe ho baaki cheezon mein. Acha, institute ka material, important. Revision is also important. ये लोग उस तरह से प्रिपरेशन करते हैं. प्रैक्टिकली टेल यू, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल होती है. ये लोग एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक रेफर करते हैं और इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करते हैं, एक टीचर रेफर करते हैं और इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करते हैं. सिंपलिसिटी से पढ़ते हैं. और क्या है सीक्रेट पढ़ने का, इनके माइंड में कैसी चीजें जाती है सर. ये लोग ना रिवाइज करते हैं, ये लोग ना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये लोग ना चार्ट्स बताते हैं. इन लोगों को पता होता है कि ये जो 1000 पेजेस की इस सब्जेक्ट की मैं बुक पढ़ रहा हूं ये रिवाइज नहीं होने वाली एक दिन पहले. ये लोग पहले से तैयारी यही करते हैं कि एक दिन में रिवाइज कैसे करूंगा. दे आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट एक दिन में ये 1000 पेजेस में रिवाइज नहीं कर सकता. सो दे विल मेक शॉर्ट नोट्स, दे विल मेक चार्ट्स एंड दे विल रिवाइज इट 10 टाइम्स. इट इज वेरी इजी टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स एंड चार्ट नोट्स. बट यू उसी बुक में लाइन करे जा रहे हैं. आखिरी में पढ़ते सब कुछ. अरे आपको क्या डर लगता है मालूम है, सबसे बड़ा डर क्या होता है यार. मैंने मार्किंग तो कर ली लेकिन मैंने जो मार्क नहीं किए ना चीजें वो छोड़ने में बहुत जान पाता, कहीं उसमें से ही कुछ आ गया तो. यू हैव टू टेक द रिस्क. इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो आपको कुछ चीजें जो पहली बार में समझ आ चुकी है वो छोड़नी पड़ेगी. जो चीजें आपके लिए वीक जा रही है उसको रिवाइज कर करके स्ट्रांग बनानी पड़ेगी. यू हैव टू स्किप द मटेरियल आफ्टर सर्टन पॉइंट, लाइक टू सेकंड रिविजन, थर्ड रिविजन. पहली बार में पूरा पढ़ो, फिर 70% पढ़ो, फिर 50% पढ़ो, फिर 30% पढ़ो, फिर एग्जाम में जाओ. ये इनका काम होता है. आप लोगों का तो पहली बार में ही कुछ चैप्टर है भाई, मैं साला कौन सा चैप्टर छोड़ के जाऊँ समझ नहीं आ रहा है. पूरे तो होने हैं नहीं, अभी बहुत टाइम कम बचा है अपने पास में, तो कौन सा चैप्टर छोड़ के जाऊँ मैं. एक काम करते हैं, इनमें से कभी पूछा नहीं है ना, ये चैप्टर छोड़ के जाता हूँ. ये लोग सिलेक्टिव स्टडी करते ही नहीं है. पहली बार में पूरा पढ़ेंगे, दूसरी बार में पूरा पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स, बाद में जाके कोई चैप्टर उन्होंने छोड़ा तो छोड़ा क्योंकि हाँ ठीक है वो ईजी लग रहा है. बट दे वेंट थ्रू, दे हैव गॉन थ्रू ऑल द चैप्टर्स. They're not doing selective studies. कुछ भी पूछा जा सकता है इंस्टीट्यूट पे. क्यों इतना भरोसा कर रहे हो कि अभी तक नहीं पूछा तो अगली बार भी नहीं पूछेगा. SFM जैसे सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें डिविडेंड पॉलिसी भी 30 मार्क का पूछ सकते हैं. भरोसा मत करो किसी पे भी. यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट, सॉरी ऑल द चैप्टर्स. डोंट बी सिलेक्टिव. सो स्टे स्ट्रांग, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखो एंड दैट इज वेन थिंग्स विल गो ऑन इन योर फेवर. द बिगेस्ट रीजन ऑफ दीज पीपल बी लाइक गेटिंग अ रैंक इज दे हैव सम अदर रीजन.
अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना उनका रीजन नहीं होता इसलिए वो पढ़ाई नहीं करते, उनका और कोई विजन होता है, रीजन होता है, पर्पज होता है लाइफ में जिनको वो फुलफिल करना चाहते हैं, माँ बाप को अच्छे से रखना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हटाना चाहते हैं, रिलेटिव्स को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ये सारे रीजन होते हैं, तभी तो जाके वो रैंकर बनते हैं। इतना स्ट्रांग होना पड़ता है लाइफ में, दे आर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स बैक एंड पे। आपके पास में क्या है भाई? क्रिकेट खेलने जाना है मैच के बाद में, जो हम देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसके बाद क्रिकेट खेलने जाएंगे, फिर टाइम बचा तो हम पढ़ लेंगे, देयर इज नथिंग विद यू। स्ट्रांग डिसीजन लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फाइट विद द पेरेंट्स ऑल्सो, मेरे को पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ऐसी वाली बात। इतना वीक मत बनो कि कोई भी आके आपको अफेक्ट करके जा रहा है, आपका टाइम टेबल कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, ध्यान में रखना। सो दीज आर सम फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एग्जैक्टली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये नहीं चाहिए, बट दीज आर सम क्वालिटीज विच रैंकर्स पोजेस यू डोंट। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, साला करता क्या है भाई ये 24 घंटे, इसको भी तो मिले थे, इसका रैंक नहीं आया, मैंने भी तो सेम क्लास लगाई थी, मेरे को इतने मार्क्स नहीं मिले। आप उनको इतना सोशल होते हुए नहीं देखोगे जितना सोशल आप हो। देर आर बेनिफिट्स फॉर एवरीथिंग, आपको बाकी सब चीजों में मजे करने मिल रहा है, इनको रैंक में मजे करने मिल रहा है। ही इज सैक्रिफाइसिंग व्हाट यू आर डूइंग, ही इज सैक्रिफाइसिंग व्हाट यू आर डूइंग, सीसीडी मूवीज, मतलब टू सर्टेन एक्सटेंट ये भी जाते हैं भाई साहब, मूवीज हो गया, फ्रेंड्स हो गया, इतना घूमना फिरना हो गया, बकर करना हो गया, ही इज सैक्रिफाइसिंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर सैक्रिफाइसिंग व्हाट ही इज गेटिंग। यू हैव टू डिसाइड दोनों में से कौन सी चीज चाहिए, रैंक चाहिए या वो चाहिए। वन थिंग, एक चीज है जो दोनों को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बस दैट्स इट। व्हाटएवर यू आर डिसाइडिंग, जस्ट डिसाइड एंड स्टे हैप्पी इन दैट। अगर आपको रैंक नहीं मिल रहा, अगर आप पास नहीं हो रहे, तो हैप्पी रहो कि मैंने बाकी की चीजें तो की, मैं गया ना घूमने, गया कैफे जाता था, मैं दोस्तों के साथ घूमता था, मेरी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, स्टे हैप्पी विद दैट। ही इज हैप्पी विद व्हाट ही हैज डिसाइडेड, बट यू आर नॉट हैप्पी व्हाट यू हैव डिसाइडेड, क्योंकि आप डिसाइड कुछ और कुछ करते हो कि मेरे को रैंक लाना है और पास होना है, लेकिन करते कुछ और हो, दैट इज द मेन रीजन। सो स्टे फोकस्ड, व्हाट यू हैव डिसाइडेड उसी पे आपको काम करना है और बाकी सब चीजों को ना बोलना है। दिस इज द मेन थिंग, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल पीपल। आई होप यू विल गेट अ रैंक और यू विल एटलीस्ट पास द कमिंग एग्जाम। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। Why I was able to tell you all these things is I was a failure, CPT 3 बार फेल हुआ था, 12th में चीटिंग करके पास हुआ था, 10th में कुछ खास मार्क्स नहीं आए, 60%, 12th में 56%, CPT 3 बार फेल, तो मैं वो ये काली कैटेगरी में रह चुका हूँ। फेल होने के बाद ठोकर खाई, ठोकर खाने के बाद मैं आपको पता चला PCC फर्स्ट अटैम्प्ट, CA फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट, रैंक 47th। आई हैव बीन थ्रू बोथ द फेजेस, आई कैन टेल यू, दैट्स वाई। So all the best for your exams.